सनसनी। दो मासूम बेटियां और पत्नी नीरज शहीद प्रदीप सिंह यादव को हर पल याद करते हैं। पत्नी नीरज की आंखों के आंसू हर कुछ देर में उमड़ पड़ते हैं। नीरज को वो पल भूले नहीं भूलते जब उन्होंने पति प्रदीप सिंह यादव के पार्थिव शरीर को घर आते देखा था। और उनकी आंखों के सामने उन्हें हर कोई सलामी दे रहा था। हर किसी को शहीद प्रदीप पर गर्व महसूस हो रहा था। नीरज भी अपने पति की शहादत पर गर्व महसूस करती हैं, लेकिन उनकी कमी नीरज को हमेशा सताती रहेगी। उसी दिन मैंने सुबह बात की थी 9:30 पे, इसके बाद मुझे ये पता था कि मेरे हस्बैंड आज श्रीनगर मतलब जा रहे हैं। गए तो 10 तारीख को थे, मगर 14 को उन्हें रवाना हुए थे। तो इसके बाद जैसे मैंने फोटो देखा उस पर मोबाइल पे एक ये बस उड़ा दी आतंकवादियों ने, तो मैं उसी टाइम रोने उन्हें लगी। तो फिर कंपनी से फ़ोन आया मेरे इनके डैडी वाले फ़ोन पे, तो मेरे देवर ने उठाया, मतलब मौसी ससुर का लड़का था, उसके फ़ोन पे फ़ोन गया, उसी को पता चला। वैसे तो मैं ऐसे रो रही थी, जब शाम को मीडिया आईडी आ गई तब पता चला कि हाँ ऐसा हो गया है। किस तरह से उसके बाद से आप कैसा संघर्ष या किस तरह से चल रही है जीवन आप लोग? मैम संघर्ष तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2 बच्चों का मेरे ऊपर भार है, फैमिली सपोर्टर मेरा कोई नहीं है। मैं 10 साल से फैमिली से अलग अपने दोनों बच्चों के साथ रह रही हूँ। जब से मेरी बड़ी बेटी हुई, जब से मेरे ससुर ने घर से निकाल दिया था कि तुम लोग निकल जाओ, अब मैं नहीं रखेंगे तुम्हें, तो इसके बाद मैं 10 साल से अकेली ही रह रही हूँ। जब थे तो मेरा ये हाल था, तो अब नहीं है तो मेरा हाल क्या होगा? अब बच्चों को पढ़ाने लिखाने का भरण पोषण के लिए ना तो जमीन है, मैं जमीनहीन हूँ, भूमिहीन हूँ बिल्कुल। नीरज ने बताया कि 14 फरवरी को सुबह 9:30 बजे प्रदीप से बात हुई थी। उन्होंने श्रीनगर जाने के बारे में बताया था। उसके बाद शाम को हमले की खबर मिली। प्रदीप के जाने के बाद से उनकी दुनिया उजड़ गई। पाकिस्तान के खिलाफ सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से वो संतुष्ट तो हैं, लेकिन उनका कहना है कि आतंक का जड़ से खात्मा जरूरी है, ताकि जैसे उनका परिवार उजड़ा है किसी और का ना उजड़े। पाकिस्तान के खिलाफ जो गुस्सा है वो कभी खत्म नहीं होने वाला। उनका कहना है कि अगर हमारे 4 मरते हैं तो उनके 400 मरने चाहिए। जब वो 4 मारे तो उनके 400 जाने चाहिए, तभी पाकिस्तान थमेगा। ऐसे नहीं थमे, मानने वालों में पाकिस्तान नहीं है। प्रदीप से जुड़ी कुछ खास बात, उनसे कोई उनकी कोई बात या बच्ची? जब मेरे हस्बैंड आते थे, बातचीत करते थे, हम लोग बैठते थे, तो यही बोलते थे कि जब भी मुझे कुछ होता है तो तुम क्या कहोगी? तो मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे पति शहीद बोल रहे, प्रदीप सिंह शहीद हो गए, मगर शहीद का दर्जा नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही गुजारिश करती हूँ कि मेरे पति को शहीद का दर्जा दिया जाए और बच्चों के लिए मतलब अच्छे से भरण पोषण हो, अच्छी शिक्षा दी, मतलब कि मुझे सरकार से सहायता मिलनी चाहिए। एक अहम बात जो वो सरकार से चाहती हैं वो है उनके पति के लिए शहीद का दर्जा। देश के लिए जान देने वाले हर जवान को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन शहीद प्रदीप की पत्नी ने हिम्मत नहीं हारी है। वो अपनी बेटियों और परिवार की जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं। नीरज हैं सही मायनों में शहीद प्रदीप की वीर कमांडर। सनसनी।